अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? भारत को केते दिन दूरे रखिबो जाति संघ स्थायी सदस्यता को नहीं क्षोभ कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय शनिवार संध्या 6:30 जातिसंघर 75तम साधारण अधिवेशन को संबोधन करिछन्ते। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर मैं भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ए संबोधन रे जातिसंघर कर्तव्यनिष्ठ ओ दायित्व बोध उपरे एकाधिक बार प्रश्न उठाइथिले। भारत को जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे स्थायी सदस्य भाबे ग्रहण न करबा को नै से क्षोभ प्रकाश करथिले। ए प्रसंग रे 130 कोटि भारतीय निराशा भाव को मोदी उपस्थापित करथिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 23 मिनिटर भाषण रे से कोरोना महामारी रो मुकाबला करबा दिगरे जातिसंघ भली विश्वर शक्तिशाली संगठन की प्रकार पदक्षेप नेउछि ता उपरे प्रश्न उठाइछंती मोदी। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहाँ है? प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे दीर्घ 8-9 मास हेला समग्र विश्व कोरोना महामारी रे पीड़ित। ए महामारी को मुकाबला लागि जातिसंघ एपर्यंत कोनोसी गोटिए भी पदक्षेप नै नाही। एहा जातिसंघर उपयुक्त नेतृत्वर अभाव को प्रतिपादित करुछि। उपयुक्त नेतृत्वर अभाव जोगु जातिसंघ भली संगठन विश्ववासीको समस्या दूर करबाकु मिलित पदक्षेप नै पारि नाही बोली मोदी कहिछन्ति। तेणु वर्तमान रो समय रे जातिसंघर नेतृत्व रे परिवर्तन जरूरी आवश्यक थिबा से कहिछन्ति। जातिसंघर बैठक को ऑनलाइन संबोधन अवसर रे मोदी आहुरी प्रश्न करिछन्ति जे केते दिन पर्यंत भारत को जातिसंघर नीति और निष्पत्ति नेबारु वंचित करा जिवो। एपरी परोक्ष प्रश्न करी मोदी जातिसंघ सुरक्षा परिषद संस्कार निमन्ते आह्वान देइछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी।